इतनी सी दुआ है कि जो ये चाहे इसे मिल जाए। परेशान मत, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यकीन आ गया मुझे, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मां से बात करूंगा, कोशिश भी करूंगा कि ऐसा ना। देर हो गई, चले। ये क्या तरीका है? कहाँ चली गई थी तुम? यूं बताए बगैर कोई जाता है भला? क्या पूछा है मैंने? मैं मुर्तसिम से शादी करने के लिए राजी हूं।
क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना है। एक बार फिर से कहो ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं मुर्तजिम से शादी करने के लिए राजी हूँ। खुश कर दिया तुमने। आप कुछ कह रही थी मैंने आपकी बात का? नहीं नहीं, वो मैं, इससे बड़ी बात नहीं थी जो तुमने मुझे सुनाई है। ये तो खुशखबरी है। और आइंदा बताए बगैर कराची मत जाना। जानती थी मैं कि क्या कर रही हो यार? अकल पे मातम, मोहब्बत पे मातम, महबूब को छिन जाने पे मातम। देखो देखो तुमने, देखा भी और सुना भी। कितनी दोगली मीसनी निकली है ये मीरा। शादी के लिए राजी हो गई, हाँ कर दी उसने शादी के लिए। ये कहते हुए जरा भी उसकी जबान नहीं लड़खड़ाई, हाँ कर दी उसने। मरियम मेरी आखिरी उम्मीद थी कि वो हाँ नहीं करेगी, लेकिन उसने हाँ कर दी। मेरी उम्मीद भी तोड़ दी उसने। वो यही चाहती थी मरियम, वो शुरू से यही चाहती थी। वो आई इसीलिए थी यहाँ पे मुर्तजिम को मुझसे छीनने। देखो हया, अब इस बात को मान लो कि यही हो रहा है और यही होकर रहेगा। नहीं नहीं, अगर ये होकर रहेगा तो वो भी होकर रहेगा जो मैं चाहती हूँ। वो भी रब है तो मैं भी हया हूं। मैं मुर्तजिम को किसी और का नहीं होने दूंगी। वो क्या कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है? सही कहते हैं। माँ को गले नहीं लगाओगे? मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैंने अभी हाँ नहीं की।
दरवाजा खोले मामा, मैं आप लोगों को देखने के लिए आई हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। सिर्फ एक दफा दरवाजा खोल दे फिर मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे पता है आप लोगों को मेरी आवाजें आ रही हैं, प्लीज दरवाजा खोल दे, एक दफा मुझे आप लोगों को देखने। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा मेरा। साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है। मुर्तसिम, यहां खड़े क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कुछ। अच्छा हाँ, तुमने सोचने का वक्त मांगा था, ठीक है, मैं इंतजार करती हूं तुम्हारे जवाब का, यहीं बैठी हूं मैं। क्या हूं आपके लिए? तुम मुर्तसिम खान हो, मेरे बेटे हो, इस खानदान के वाली वारिस हो। सिर्फ कहती हैं या मानती भी हैं? मानती हूं, मुझे पूरा यकीन है हमारी खानदानी गद्दी के जानशीन हो तुम। एक जमाना है जो हमारे बड़ों की इज्जत करता है। बात मानी जाती थी आपके बड़ों की? बेशक। तो फिर मेरी क्यों नहीं मानी जा रही? तुम्हारी हर बात मानी जाती है, तुम्हारे हर फैसले को हम सब मुकद्दम जानते हैं बेटा। किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो तुम्हारे फैसले से इख्तिलाफ कर सके। तो इस रुतबे, इस मकाम के लिए मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। मुर्तसिम, तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते? मेरी चाहत थी वो, मेरी जिंदगी जो आप सबने मिलके छीन ली। मुर्तसिम, ये वक्त इन बातों का नहीं है जब जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। क्या नया मोड़ माँ? समझने की कोशिश करो, मीरब ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। मीरब 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 मीरब, यानी वो हाँ करेगी तो मैं हाँ करूंगा, वो ना करेगी तो मैं भी ना करूंगा। मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं है क्या? ये सब तुम्हारी वजह से तो है, तुम्हारे लिए तो मीरब ने हाँ की, इसी में तो हम सबकी जीत है। हमारी जीत नहीं है, ना मेरी ना उसकी, ये सिर्फ आप सबकी जीत है। चले मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन आप मुझे बताइए मैं ये शादी क्यों करूँ और मीरब से क्यों करूं? क्योंकि वो तुम्हारी हमपल्ला है। हमपल्ला? ऐसी क्या खास बात है उसमें? तुम इतनी रात गए उसके कहने पर, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी की परवाह किए हुए उसे अपने साथ ले गए। कुछ तो खास होगा उसमें। देखो, खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है वो, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और
अब तो माली हैसियत में भी वो तुम्हारे बराबर आ गई। तो सिर्फ इस बुनियाद पर मैं उससे शादी कर लूं? अफसोस। मुर्तसिम, तुमने किसी से तो शादी करनी है, तो फिर मीरब से क्यों नहीं? क्योंकि खुश नहीं है वो खुश ना होती तो सबके सामने हाँ क्यों करती? यही तो पूछना है उससे। क्यों रुक गए? ऐसे क्यों बैठी हो? रास्ते का कांटा जो बनती है जब से पता चला है वो तुमसे शादी करना चाहती है, ऐसे होश उड़े यही की यही बैठी रह गई। उठो और अपने रूम में जाओ। आते ही हाँ कर दी, क्यों? यही पूछने जा रहा हूं। क्या पूछोगे? बता दूंगा। अब बताने को रह क्या गया है? तुमने शायद देखा नहीं है खुद को आईने में, रोए रोए से लगते हो। तुम जानती हो कि अब मैं नहीं रोता। जानती हूं, पता है, लेकिन रोने के लिए जरूरी तो नहीं ना कि आंसुओं से रोया जाए। कभी कभी इंसान दिल से भी तो रोता है, किसी दूसरे का दर्द महसूस करके, जैसे तुमने इसका दर्द महसूस किया है ना। तुम्हारी भी हाँ समझो, इनकार कर देना। मैं इनकार करूं या इकरार तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। तुम मेरे लिए हया ही रहोगी। अब मत रोकना। ठीक है, मैं हया रहूं, तुम मुर्तसिम रहो। मैं कुवारी, तुम कुवारे, दोनों मर जाएंगे, लेकिन प्लीज उसको हाँ मत बोलना। प्लीज उससे शादी के लिए हाँ मत करना। मैं उसे तुम्हारे दिल पर राज करते हुए नहीं देख सकती, उसे इस घर की मालकिन बनते हुए नहीं देख सकती। प्लीज। रो क्यों रही हो? रोए मेरे दुश्मन, आंखों से धूल साफ कर रही थी। जो कभी मेरी आंखों में रहा करती थी, अब तो हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। किसी को तो करना था ना मुर्तसिम, तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो मैंने हाँ कह दी। नीरव, कुछ दिन दो, बात करूंगा सबसे, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, सब मान जाएंगे। कितने दिन चाहिए? बोलो ना, कितने दिन चाहिए? बस कुछ दिन। क्या कर लोगे? वैसे ही मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, क्या ही छीन लेंगे लोग मुझसे। हाँ, अगर मजीद आजमाना है, रुलाना है, बेइज्जत करना है तो दे देती हूँ कुछ दिन। मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ। क्यों? क्यों अचानक हाँ करने के पीछे कोई वजह होगी? कोई एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह है। लेकिन सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट जो है
वो बता देती हूँ। यतीम हो गई मैं। बेघर भी। दरबदर ख्वार नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे पता है इस घर से भी निकाल दिया जाएगा मुझे। तुम्हारे बाप का घर, मेरे बाप का घर अगर होता ना मुर्तसिम, ये मेरे बाप का अगर घर होता तो यहाँ रहने के लिए मुझे तुमसे शादी ना करनी पड़ती। यहाँ इज्जत वाला मुकाम हासिल करने के लिए तुमसे ना जुड़ना पड़ता, तुम्हें ना अपनाना पड़ता मुझे, अगर ये मेरे बाप का घर होता तो। करते हैं शादी, कहां तक चलेंगे देखते हैं, लेकिन एक बात सच सच बताओ। क्या? क्या आप भी नफरत करती हो मुझसे? नजरें चुरा कर नहीं, नजरें मिलाकर सच कहो। जैसे मोहब्बत के लिए एक नजर काफी होती है ना, ऐसे ही नफरत मिटाने के लिए एक लम्हा, एक घड़ी काफी होती है। वो एक लम्हा, एक घड़ी कौन सी थी? जब मेरे माँ बाप ने मेरे घर का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था और मैं रो रही थी, मेहनतें करी थी, वो जानते थे कि मैं तकलीफ में हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा था और मुझे कहा था कि मुझ पे मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम मेरे घर चलो। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। रोना मत।
अब रोऊंगी नहीं मैं। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगा। उसके रुलाऊंगी। तुझे करके दिखा दूंगी किसी धोखे में ना तू रहना। तुझे पल में भुला दूंगी किसी धोखे में ना तू रहना। तुझे पल में भुला दूंगी। अब तो माँ के गले लग जाओ। न पाया मैंने तेरी खुशी की खातिर हर दुख उठाया मैंने। जाने का है दोनों रहे हम फिर भी अनजाने। नैनों की हर प्यास बुझा के फिर भी बेगाने। तन्हा तो न रहूंगी तुझे भी पैर ला दूंगी। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी। किसी धोखे में ना तू रहना। तुझे पल में भुला दूंगी किसी धोखे में ना तू रहना। तुझे पल में भुला दूंगी। मरियम, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? नाराज हो? अरे तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी भाभी बनने के लिए राजी हूं मैं। मीरा, मुझे आपकी समझ नहीं आती। मजे की बात यह है कि आजकल खुद मुझे अपनी समझ में नहीं आती। जब आपको मानना ही था तो ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा? ये सब तुम्हें ड्रामा लगता है? जो तुम्हें ड्रामा लग रहा है ना, मेरे लिए जंग थी। ऐसी जंग
जिसमें मैंने सरवाइव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम पे ऐसा वक्त आया ना तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी मैं। मेरा मुझ पे ऐसा वक्त क्यों आएगा? बुरा वक्त ना बता के नहीं आता। अल्लाह, एक तो ये रॉन्ग नंबर, तंग गई मैं। हाँ भाई, बाहर गुजर कर दीजिए आप। तुम पे ऐसा वक्त आया ना तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी मैं। मेरा मुझ पे ऐसा वक्त क्यों आएगा? बुरा वक्त ना बता के नहीं आता। हाँ, फूल ताजे हैं ना? जी माँ बेगम, बिल्कुल ताजे हैं। आओ, अपने ही बाग के हैं। चलो रख दो इसे। माशाल्लाह, खूबसूरत लग रहे हैं। ये तुम किस सोच में गुम हो? पत्तियां तोड़ रही हो फूलों की? क्या बात है, खुशी नहीं है भाई की शादी की? कैसी बातें कर रही है माँ बेगम, बहुत खुशी है, एक ही भाई है मेरा। मैं बस कुछ सोच रही थी। अल्लाह की शान है कि तुम भी सोचने लगी। माँ, मैं बहुत मुद्दे की बात सोच रही, ऐसी बात जिसे मसला भी हो सकता है और शादी भी रुक सकती है। अरे खुदा ना करे, कैसी बच्चेगोनी की बातें कर रही हो, फजूल। माँ, सोचने की बात है, सबको तो यही पता है कि पहले मीरब जो है वो वकास चाचा की बेटी थी, लेकिन वो तो अनवर चाचा की बेटी है ना। निकाह वाले वक्त जब अनवर चाचा का नाम लिया जाएगा तो सारे खानदान वाले हम पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारा, और मुर्तसिम भाई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा होंगे वो, और ऐसे में अगर उन्होंने शादी तोड़ दी तो। अरे भाई, सारे खानदान को अच्छी तरह पता है कि मीरब दरअसल अनवर की बेटी। सिर्फ उसे ही मालूम नहीं था जिसे मालूम होना चाहिए। कौन? माँ, मीरब।